नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं धारिन भदौरिया और आप देख रहे हैं TV30 न्यूज। भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कल देर रात एक बैठक में मंत्रियों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से एक मेगा आउटरीच अभियान भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने का निर्देश दिया गया। सूत्रों ने कहा कि पीएम ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को सलाह दी कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर संबंध बनाएं और यात्रा में एक वीआईपी के रूप में नहीं बल्कि एक आयोजक के रूप में शामिल हों। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा, भारत संकल्प यात्रा जनता को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आखिरी मौका है और उन्हें सभी पात्र लोगों को विशेष रूप से उन लोगों तक इन जन कल्याणकारी उपायों की पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम ने कहा कि आउटरीच प्रयास विकसित भारत या विकसित भारत बनाने का हिस्सा होंगे और उन्होंने मंत्रियों से जनता को आश्वस्त करने का भी आग्रह किया कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। बैठक में कृषि और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के सचिवों की एक प्रस्तुति भी देखी गई, जिन्हें इस यात्रा का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। दरअसल बीजेपी जून से ही 2024 के चुनाव की दिशा में काम कर रही है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप पर बात करने के लिए मिले थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की उनकी यात्रा के कुछ दिनों बाद दिल्ली में पीएम के आवास पर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा सहित अन्य लोग शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि उनकी सरकार राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर देगी, एक एजेंडा जो हमेशा भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा। जून की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने योजना बनाने के लिए देश को 3 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण और पूर्व में विभाजित किया है। उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और हिंदी पट्टी के बड़े हिस्से को शामिल किया जाना, जिसमें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी शामिल था। पूर्व में बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल है और दक्षिण, जहां भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष किया है, इसमें कर्नाटक भी शामिल है, जिसे पार्टी इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हार गई थी। पूरे कार्यक्रम की संकल्पना भाजपा सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए की गई है, जिसमें कृषि मंत्रालय अभियान के ग्रामीण पक्ष का केंद्र बिंदु है, सूचना प्रसारण मंत्रालय शहरी केंद्रों तक अभियान की पहुंच का नेतृत्व कर रहा है। यात्रा में 2500 से अधिक प्रदर्शन या थिएटर में भारत में सभी शहरों और कस्बों में 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और समूहों को कवर करेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थान शामिल हैं। इसी तरह आगे की अपडेट देखने के लिए बने रहे TV30 न्यूज के साथ। धन्यवाद।